Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का K10 5G और आपको इस फोन में थ्री बटन नेविगेशन को हटा के इस फोन में जेस्चर नेविगेशन सेट करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट कर सकते हैं। मतलब बटनों को हटा के इस फोन में जेस्चर नेविगेशन को आपको लगाना है, मतलब हाइड बटन जो रहते हैं उनको लगाना है, तो कैसे लगा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फोन की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहां से हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे की साइड आ जाएंगे। यहां पर सिस्टम सेटिंग देखने को मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है जिसके बाद आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करके जेस्चर्स देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जेस्चर्स की मैं आपको एक सेटिंग भी बताऊंगा, चलिए उसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर पहले कैंसिल कीजिए तो आपके इस फोन में देख सकते हैं जेस्चर नेविगेशन सेट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको स्वाइप टू प्रीव्यू एप्स का एक ऑप्शन डिसेबल देखने को मिलेगा, इसको जरूर से इनेबल कीजिए। चलिए ये काम किस तरह से करता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि अभी हम हैं गैलरी में, गैलरी से पहले हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए सिंपल इस तरह से आपको क्लिक करना होगा तो आप उसी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस वाले फीचर को इनेबल करा के इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाबेट ऑन बैक नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे इस तरह से इनेबल कीजिए। इसको इनेबल करेंगे तो आप बैक बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फोन बाबेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जैसे कुछ सेटिंग भी जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं।